सभी के बाबू भैया यानी कि यूके राइडर जो हैं, उन्हें देखकर लगता है कि सलमान खान के एक बार समझाने से उनके समझ में कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि भाई अगर बाबू भैया को सल्लू भाई जान की बात समझ आ जाती तो एक ही गलती को वो दोहराते थोड़ी ना। अब भाई अनुराग दोबाल दोबारा गलती कर ही बैठे हैं तो उनको डांट खाने की आदत भी पड़ ही जानी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि लाइव फीड में अनुराग दोबाल और मनारा आपस में बात करते हुए नजर आए हैं, जहां पर एक बार फिर से बाबू भैया ने टॉप 5 की बात छेड़ दी है और उन्होंने टॉप 5 की लिस्ट भी अपनी तरफ से बता दी है, जो कि बिग बॉस ने म्यूट कर दिया था। लेकिन जितना देखकर समझ में आया है वो ये है कि उन्होंने अपनी लिस्ट में विक्की और अंकिता का नाम तो शामिल ही किया है, बट शॉकिंग ये है कि अनुराग बाबा ने यहाँ पर अपना नाम शामिल नहीं किया है। जी हाँ, उन्हें लगता है कि वो टॉप 5 में नहीं आएंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाती नजर आई है मनारा। उनका कहना है कि जब हम टॉप 5 के लिस्ट में होंगे ही नहीं तो शो को कंटिन्यू करने का क्या फायदा है। तो उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अब मास क्विट करेंगे शो, वो भी आने वाली 9 तारीख को। मास क्विट यानी कि सभी लोग मिलकर इस गेम को क्विट कर देंगे। वेल, ये सब बातें मनारा के साथ अनुराग ने मजाक मस्ती में कही है, लेकिन अनुराग शायद भूल गए हैं कि इन्हीं सब मस्ती की वजह से उन्हें पहले भी डांट पड़ चुकी है, वो भी अच्छी खासी। और भाई सल्लू भाईजान तो अभी भी बाबू भैया को जब मन चाहे तभी लपेटे में ले भी लेते हैं उस बात से, लेकिन शायद अनुराग भैया को इसका कुछ भी एहसास नहीं है। भाई यूके राइडर जो है वो इनिशियल डेज की तरह ही बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा इनडायरेक्टली। उनका सीधा सीधा कहना यही है कि उनको शो में इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वेल, वहीं बात करें मनारा की तो मनारा की तरफ से ये रिएक्शन आना काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि मनारा को हर वीकेंड के वार में सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं और बाहर भी लोग उनकी गेम को पसंद कर रहे हैं। पता नहीं घर के अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह से गेम को आगे खेलेंगी। लेकिन भाई अनुराग की इस कमेंट्री पे लगता है एक बार फिर से सल्लू भाईजान उनकी अकल ठिकाने लगाएंगे, और भाई इस बार जिसकी भी क्लास लगेगी उनके साथ तो अनुराग भैया की क्लास लगनी भी बिल्कुल तय है। वेल, इन सब चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।